नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कैटल फार्मिंग का मुकम्मल प्रोसेस के इसमें कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा होता है और इसमें आने वाली मुश्किलात और उन मुश्किलात का हल इस वीडियो में आपको मुकम्मल दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है आपकी? दुआएं आप। अच्छा जुहेब भाई, ये बताइएगा आपने ये फार्मिंग कब से स्टार्ट की? मैंने ये फार्मिंग 1.5 साल से स्टार्ट की है। 1.5 साल से? ये आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया हमें यूट्यूब से थोड़ा सा, बाकी कुछ दोस्त थे वो करते थे पहले ये काम। अच्छा, तो इस वजह से कुछ शौक भी था अपना, इस वजह से स्टार्ट। एजुकेशन क्या आपकी? मैंने BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। तो नौकरी का क्या बना? नौकरी नहीं, मतलब जॉब कुछ करना नहीं चाहते थे। अच्छा, कुछ अल्लाह की करनी हुई कि मिली नहीं हमें। अच्छा, तो इस वजह से फिर मैंने ये काम शुरू कर लिया, अपना काम शुरू कर लिया। अच्छा, जब आपने आगाज़ किया तो कितने जानवर थे आपके पास? जब हमने आगाज़ किया तो हमारे पास पहली बार 15 जानवर थे। 15 जानवर थे। अच्छा, वो कहाँ से परचेज किए थे? हमने तो जड़ां वाला मंडी लगती है। अच्छा, वहाँ से पास ही है। अच्छा, वहाँ से परचेज किए थे। लोकेशन क्या है उसकी? लोकेशन लाहौर रोड है। अच्छा अच्छा, लाहौर रोड के पास है जी। ठीक हो गया। तो आपने जब ये स्टार्ट किया इसका, 15 जानवर थे आपके पास जी, तो ये ख़रीदे आपने, ब्रीडिंग नहीं करवाई? ब्रीडिंग को अच्छा नहीं समझते, क्या हिसाब किताब के साथ इसको ख़रीदा था थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, ब्रीडिंग नहीं इनकी होती है, कैटल फार्मिंग है। अच्छा, तो इनको बस फरबा करके इनको कटवाना होता है स्लाटर में। लाहौर चले जाएं, कहीं चले जाएं, मरीद के चले जाएं, वहाँ पे ये माल अपना तैयार करें, गाड़ी में रखें और ले जाएं, जाकर उधर कटवा दें, वो चेक दे देंगे आपको। अच्छा, जो भी होगा सिचुएशन वो आपको दे देंगे। तो आपके पास इस वक्त टोटल कितने जानवर हैं? इस वक्त हमारे पास 80 जानवर खड़े हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो एक जानवर उस वक्त कितने रुपए का ख़रीदा था आपने? अभी या पहले जो खरीदा? उस वक्त पहले जब खरीदा था, पहले तो काफ़ी रेट वेरिएशन करता रहता है। अभी 50 की एवरेज है हमारी। ये एक जानवर कितनी देर में तैयार हो जाता है? कितने एक जानवर 90 से 110 दिन में तैयार कर लेते हैं। तो आप जब खरीदते हैं तो क्या चीज़ें देखते हैं इनमें? जानवर की झालर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, वलैती क्रॉस में होना चाहिए। अच्छा, प्योर देसी भी नहीं होना चाहिए और प्योर वलैती भी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, क्रॉस में होना चाहिए वो जानवर, वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें कितनी नस्ल के आपके पास हैं ये? इसमें नस्ल वेरी नहीं करती, बस इसका ये देखना चाहिए कि जानवर अच्छा हो, उसके ज़्यादा नाफ ना हो उसके पास, और ज़्यादा झालर ना हो, कद काठ वाला हो, तो वो जानवर चलता है ज़्यादा। ठीक हो गया। वजन जितना ज़्यादा होगा अच्छा रहेगा वो फार्मिंग के लिए। जब आप खरीदते हैं तो तब इनकी उम्र क्या होती है? उम्र ये ज़्यादातर खरीदना चाहिए दोंदा खीरा, इससे बड़ा जानवर आगे डिमांड कम होती है उसकी। ठीक हो गया। कुर्बानी के हिसाब से? कुर्बानी के हिसाब से तो दोंदा खरीदना चाहिए, अगर स्लाटरिंग करवानी है तो दोंदा खीरा बछड़ा खरीदना चाहिए। अच्छा, आप सिर्फ वो स्टार्टिंग करवाते हैं? जी, हम स्लाटरिंग करवाते हैं, ईद में आ जाए कोई तो वो ईद पे सेल कर देते हैं, बट अभी तक तो हमारे पास स्लाटरिंग ही चल रही है। उस वक्त इनका वजन क्या होता है जब आप खरीदते हो? हम जब खरीदते हैं तो एवरेज हम 100 किलो की लेके आते हैं। अच्छा, 100 किलो की? 100 किलो जानवर, कम से कम 100 किलो जानवर होना चाहिए। कितना वजन हो जाता है, कितना उसका वेट हो जाता है 3 से 4 माह बाद? ये कम से कम आपके पास 4 माह रखने, अपने अपने पास रखने हैं आपने। अच्छा, उसके बाद इनको आपकी एवरेज सेट होनी चाहिए कि 1 kg डेली वेट गेन करे जानवर, ऐसा डाइट प्लान होना चाहिए आपका। अच्छा, तो फिर वो प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा, तो ये इसकी खुराक वगैरह क्या है? खुराक में हम इन्हें देते हैं मड देते हैं। अच्छा, मड वगैरह, मड क्या होता है? मड शुगर मिल से मिलता है। अच्छा, ये वेस्टेज होती है गन्ने की। ठीक हो गया। इसमें बहुत माइनस में थोड़ा सा शुगर होती है, बाकी तकरीबन वो इसे पंजाबी में हम बोल देते हैं मैल है। अच्छा अच्छा, मैल वगैरह। हाँ, तो ये काफ़ी बेनिफिट देता है इनको, जानवरों को फैटनिंग में। ठीक हो गया। ठीक है, तो उसमें वो केला मड डालते हो? नहीं, मड के अंदर हम तूड़ी मिक्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद फीड जो होती है वो मिक्स करते हैं, उसके बाद आलू भी देते हैं। हाँ, वो दिखा देते हैं हम आपको फीड। अच्छा, वो जो इनका प्रोसेस होगा वो दिखाना जी, वो बना बड़ा है सारा। अच्छा, आप साइलर वगैरह को नहीं तरजीह देते? नहीं, साइलेज काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, वो कॉस्ट नहीं निकलता। जो नया किसान है आपका, क्या
अंदेशा है वो कितने जानवरों से आगाज करे? वो कम से कम 25 से 30 जानवरों से आगाज करे। तो एक जानवर तकरीबन कितने में पड़ जाता है मंडी से? एवरेज अगर आप लेके आओ तो 70 में 55 से 70 के राउंड बोर्ड लेना चाहिए जानवर। ठीक है। अगर जो नया फार्मर है वो कोशिश करे कि कांटे से ले ले। सबसे बेहतरीन नस्ल आपके अंदाजे के मुताबिक जो ग्रोथ करती है, जो आपको फायदा देती है वजन के हिसाब से, कद के लिहाज से, वो कौन सी नस्ल? वो देसी क्रॉस ही है। वो देसी क्रॉस? देसी क्रॉस। अच्छा, देसी क्रॉस। ठीक हो गया। तो आपके पास ये जो जानवर है अभी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में खड़े हैं। जी जी। तो इनमें से कई जानवरों को बीमारी वगैरह भी आई होगी, क्योंकि पीछे भी ये मरहला गुजरा हुआ है। तो बीमारी आप कौन कौन सी देखते हैं इनमें? वो हमारी जब हम लेके आते हैं जानवर, सबसे आने से आते ही हम इसको एवरमैक्सन होता है, एवरमैक्सन होता है, वो इनका होता है, चिचड़ों का होता है। अच्छा, चिचड़ों का। इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो, खून वगैरह चूसने। हाँ, अच्छा, वो वाला होता है। अच्छा, वो लगा देते हैं। अच्छा। उसके थोड़े दिन बाद हम इनको एक वीक के बाद हम इनको मुँह खुरकी है वो लगा देते हैं वैक्सीन। ठीक है। अब पिछले साल से थोड़ी सी लंपी का आया है, लंपी स्किन, अब वो भी वैक्सीन करनी पड़ती है। अच्छा, जब आप खरीदते हो तो ज़्यादातर मैंने आपसे पूछा है कि जब आप जानवर खरीदते हो तो ज़्यादा आपने कहा है कि वो क्रॉस में होना चाहिए। जी। अच्छा, वो कई जानवर वो प्योर भी लोग खरीद लेते हैं, वो तो कुर्बानी के लिए प्योर कुर्बानी के लिए खरीदा जाता है, क्योंकि कुर्बानी में ना रेट नहीं देखते, वजन नहीं देखते। हाँ, वो तो मंशा होती है अल्लाह पाक की। जी बिल्कुल, वो तो अल्लाह की राह में देना होता है, इस वजह से लोग ले लेते हैं। वैसे वजन जहाँ पे स्लॉटरिंग करवानी है उन्होंने, तो अगर आपका गोश्त एक पाव हुआ तो उन्होंने एक पाव के ही पैसे देने, इससे ज्यादा नहीं देने। तो उधर फिर देख के लेके जाना पड़ता है जानवर। जब आप खरीदते हो तो फैटनिंग के लिए सबसे बेहतर जानवर क्रॉस है। 2 से 2.5 मन के करीब आपका, आपने कहा कि वजन होता है एक जानवर जब लेके आते हैं, तो 3 से 4 माह बाद मुकम्मल वजन कितना हो जाता है? ये लगा लें मुकम्मल फीडिंग के, कम से कम आपका जानवर एक दिन में 70 से 1 kg। अच्छा, ग्रोथ करना चाहिए इसका। क्या लाइव वेट, क्या रेट वगैरह होता है, थोड़ा सा बताइएगा। एक बछड़े में आपको क्या मुनाफा मिलता है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। अभी तो रेट चल रहा है 670 के करीब है। तो एक किलो का? एक किलो का। ठीक। और ओफल होते हैं उनके, वो 6000 तकरीबन 5500 होता है उसका। तो बाकी यही होते हैं दो चीज़ें आगे मिलती हैं, वो इसका एवरेज निकल आती है कोई 13 से 15 हज़ार एक फी जानवर की। अच्छा, फी जानवर में। तो माशाल्लाह एक एक मरतबा जब जिस दोस्त ने 20 से 25 जानवर वो पाले हो 3 से 4 माह की मेहनत हो, उसे कितना का राउंड अबाउट आपके अंदाजे के मुताबिक मुनाफा दे जाती है? ये कर लें आप खुद ही हिसाब कर लेना, एक जानवर का 13 हज़ार से कर लें, कम से कम 13 हज़ार। अगर वो अपना फीड प्लान और फैटनिंग ठीक करवाए तब। अच्छा, जानवरों की सिलेक्शन। अच्छा, ठीक करें। इसकी फीडिंग के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? आपको आपको चाहिए कि आप ज़्यादातर आलू का यूज़ करें, अगर जो आपको कास्ट में कम पड़ रही है चारा, जो कास्ट में हमें मड कम पड़ता है। अच्छा, तो मड का यूज़ है जो हमें इसमें एवरेज मारी निकाल देता है, ठीक निकाल देता है। तो अच्छा, एक फार्म में इनको कौन कौन सी सहूलतें दी जाती हैं ये भी बताइएगा। इनका पानी का हो जो अवेलेबल हो, साफ पानी। जी जी। ठीक है जी। जी। तो उसके बाद चारा ना इनके आगे से ख़त्म हो। हाँ, आपका मुलाजम है जो उसकी ड्यूटी हो के ये घंटे बाद आधे घंटे बाद फीड का या कुछ भी छट्टा लगाता रहे इसके आगे। अच्छा, ये खाते रहे। अच्छा, तो आपके पास जानवर खड़े हैं, इनकी दिखाइएगा। ये जानवर कैमरामैन अगर दिखा सके तो। अच्छा, ये जानवर क्रॉस में ही है। अच्छा, ठीक हो गया। अब वो देसी है। अच्छा, वो जानवर खड़ा है जो। ठीक हो गया। ठीक है, वो क्रॉस में खड़ा है वो ब्लैक वाला। ठीक है। अच्छा, अब ये जानवर भी देसी है, ऐसे ही है क्रॉस में, वो क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, सारे ज्यादा क्रॉस चलेगा। ठीक हो गया। देसी इतना ग्रोथ नहीं करता, देसी इतना ग्रोथ नहीं करता, प्योर देसी नहीं ग्रोथ करता। साहिवाल नस्ल के, साहिवाल नस्ल कुर्बानी के लिए ठीक होता है वो। अच्छा, वैसे तो ग्रोथ के लिहाज से ठीक है, उसकी चमड़ी जो होती है वो थिक होती है। अच्छा, इस वजह से वो नहीं चलता, वो चमड़ी का बहुत ज्यादा वजन हो जाता है। ये देखे ना, जानवर सारे क्रॉस में ही खड़े हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये मशीन पर मशीन है, ये क्या सिस्टम? ये मशीन आलू वाली मशीन है। अच्छा, ये गुजरांवाला से बनवाई थी हमने। अच्छा, ठीक है जी। ठीक, तो आलू मुलाजम इसमें फेंक देता है, वो क्रश करके आगे से निकाल देते हैं। ये हमारा वंडा तैयार पड़ा है। ठीक, ये मिक्स है सारा कुछ, इसमें मड है, तूड़ी है और फीड वगैरह सब कुछ मिक्स है इसमें। ठीक है, हो गया। ये लड़का आधे घंटे बाद आएगा रेडी लेकर हाथ की,
वो आगे फेंक देगा इनके। ठीक हो गया। अच्छा जुए भाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक नया बंदा जो इस काम को स्टार्ट करना चाहता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इसे? यार भाई, ये काम टाइम मांगता है, मुलाजम के सर पे नहीं होता ये काम। ठीक है, खुद टाइम देना चाहिए। काम कुछ ना करो बट टाइम उसको खुद दो, और ये शौक के साथ होता है काम, दिल ना छोड़े बंदा तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा, इसमें लॉस वगैरह भी होता है? लॉस होता है, अगर कोई आपका सडनली जानवर कोई एक्सपायर हो जाए देन लॉस है, तो वरना नहीं ठीक है। ठीक हो गया, बहुत हलाल चीज़ है, हलाल में लॉस कम ही है। ठीक हो गया, अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह पाक आपको मज़ीद रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जुएब भाई, हमारे साथ थे, इन्होंने कैटर फार्मिंग का मुकम्मल तरीका आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए हमारे बेल के आइकन को दबा दें। अपनी दुआओं में रखिएगा, खुसूसी तौर पर याद। आपका मेज़बान अवैस रकीबी अब आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।